नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपेरिमेंट ऑफ गुजराती में। तो दोस्तों, मैं यहाँ इस ड्राइवर ट्राइप के जो लैंप है उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो ही आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसे मैं आसान तरीके से रिपेयर करके मैं आपको दिखाऊँगा कि उसे कैसे रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक तो दोस्तों यहाँ पर मैं इस LED बल्ब ले रहा हूँ जो आप देख सकते हो। ये दोस्तों बिल्कुल वर्क नहीं करता, तो मैं इसे हम देखेंगे कि उसमें क्या दिक्कत है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसे खोल लिया है। तो दोस्तों इस जो सर्किट देख रहे हो इसे निकालने से पहले हम यहाँ पर ये जो SMD बोर्ड है उसे हम टेस्ट करके देखेंगे कि SMD सही है या ख़राब हो गई है। तो उसे चेक करने के लिए दोस्तों मैं 3.7 वोल्ट की बैटरी से मैं इस SMD चेक करूंगा कि SMD सही है या SMD फेल हो गई है। दोस्तों आप देख सकते हो मैंने दोनों साइड वायर घुमा के इसे देख लिया, लेकिन यहाँ पर इस SMD की लाइट शो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये कि यहाँ पर जो इस SMD बोर्ड है वो ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस SMD बोर्ड है उसे मैं यहाँ से हटा लेता हूँ। तो मैं इस दोनों वायर कट करके इस SMD बोर्ड को मैं वहाँ से निकाल लेता हूँ। तो ये मैंने निकाल लिया दोस्तों, आप देख सकते हो। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर एक छोटा सा जुगाड़ लगाऊंगा, क्योंकि जो मेरे इस सर्किट के साथ जो LED बोर्ड था वो ख़राब निकला। तो हम यहाँ पर दोस्तों मैं दूसरा एक मेरे पास LED बल्ब था उसके मैं यहाँ LED लाइट का जो बोर्ड होता है मैं उसे मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों इसमें कोई भी पैसे आपको लगाना नहीं पड़ेगा, बस पुरानी चीज़ों से ही आप इस लैंप को ठीक कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मैं ये वाली LED इस लैंप में लगाऊंगा। तो ये LED है दोस्तों मैंने दूसरे लैंप में से निकाले है। और लैंप में एक जो दोस्तों आप देख रहे हो ये सर्किट है जो उसमें यहाँ एक रजिस्टर लगा हुआ होता है, वो रजिस्टर जल चुका है। तो ये सर्किट बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उसमें रजिस्टर ही जला हुआ है और उसके LED भी एकदम सही है। तो इस LED को दोस्तों मैं वो हमारा बल्ब में यूज़ करूँगा। लेकिन दोस्तों उसे मैं यहाँ पर लगाने से पहले हमें इस जो SMD होती है लाइट LED लाइट उसे हम चेक कर लेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो SMD की लाइट शो हो रही है। तो ये जो SMD लाइट बोर्ड है जो एकदम सही सलामत है उसे आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं उस लैंप में ये वाली LED यूज़ करूँगा। तो दोस्तों इस लैंप में जो ये एल्यूमिनियम डिश है वो फिट नहीं होगी, क्योंकि एल्यूमिनियम डिश है वो लैम्प से बड़ी है तो उसमें फिक्स नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए दोस्तों जो हमने पहले इस डिश निकाली है उस डिश को मैं यहाँ पर लगाऊंगा। तो पहले मैं ये जो ख़राब LED थी वो मैं वहाँ से हटा लेनी है। तो मैं उसे फटाफट यहाँ से हटा लेता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पर इस LED को मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इस LED निकाल ली है और वो डिश हमें कोई काम की नहीं, क्योंकि वो हमारा लैंप से बड़ी है वो फिक्स हो नहीं पाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों जो हमने इस LED निकाली है यहाँ पर दो वायर लगे हैं वो हमें किसी काम के नहीं, क्योंकि हमारी जो ऑलरेडी वो मेरी सर्किट है उसमें दो वायर लगे हैं। तो उसे तो इसमें जो दो वायर है वो मैं सोल्डरिंग आयरन से हटा लेता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ जो सोल्डरिंग आयरन यूज़ कर रहा हूँ वो सोल्डरिंग आयरन भी मैंने बनाया है, तो आपकी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों मैं इस LED बोर्ड है जो उसे मैं ये डिश ऊपर यहाँ पर मैं स्क्रू के ज़रिए उसको फिट कर लूँगा। तो दोस्तों उसमें
स्क्रू के ज़रिए उसको फटाफट यहाँ से फिट कर लेता हूँ। तो ये दोस्तों मैंने स्क्रू के ज़रिए उसको एकदम टाइट फिट कर लिया है। और दोस्तों अब हमें यहाँ क्या करना है, तो दोस्तों इस जो वायर है उसको हमें इस एलईडी के ऊपर जो प्लस माइनस की निशानी है वहाँ पर हमें इसको सोल्डरिंग कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हो इस एलईडी बोर्ड के ऊपर यहाँ पर प्लस की निशानी और यहाँ पर माइनस की निशानी है। तो ब्लैक वाला है जो माइनस निशानी और रेड वाला है वो प्लस वाली निशानी पॉजिटिव पे हम इसको सोल्डरिंग कर लेंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सोल्डरिंग वायर इस दोनों तार के साथ थोड़ा सोल्डरिंग कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो मैंने आपको बताया था उसी तरह हमें इस दोनों तार को यहाँ सोल्डरिंग कर लेना है। तो जो प्लस वाली निशानी थी पॉजिटिव, यहाँ पर मैंने रेड वाला तार सोल्डरिंग कर लिया है और उसके बाद जो माइनस वाली निशानी थी नेगेटिव, उसके ऊपर मैं ब्लैक वायर सोल्डरिंग कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने दोनों वायर सोल्डरिंग कर लिया है और जो ये एल्यूमिनियम डिश है उसको मैं सही तरह से दबा दूंगा क्योंकि वो खुलने नहीं चाहिए। और उसके बाद दोस्तों मैं इस यहाँ इस गोले के ज़रिए मैं उसको पैक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये हमारा बल्ब तैयार हो गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गंदा सा दिख रहा है, मैं उसको बाद में साफ़ कर दूंगा। तो अब दोस्तों ये मेरा बल्ब एकदम बिल्कुल रेडी हो गया है। अब हम उसको टेस्ट करेंगे कि ये काम करता है कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों एक पिन है और यहाँ थोड़ा वायर है और एक होल्डर ले रहा हूँ क्योंकि हमारा लाइट बोर्ड है थोड़ा दूर है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इस पिन को मैं इस बोर्ड के अंदर डाल के स्विच ऑन करता हूँ और हम देखते हैं कि मेरा ये लैंप है जो वर्क करता है या नहीं करता। तो दोस्तों मैं उसकी स्विच ऑन करता हूँ। तो देखिए ये बल्ब बिल्कुल वर्क कर रहा है दोस्तों, आप देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर इस बल्ब ब्लिंकिंग होते हुए देख रहा है, लेकिन दोस्तों रियल में बल्ब ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, वो कैमरा की वजह से आपको ऐसा दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी, फिर भी आपको जो कोई कुछ भी क्वेरी लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी पहली लेटेस्ट वीडियो आपको पहले मिल सके।